आज हम जानते हैं पश्चिमोत्तान आसन के बारे में। इस आसन को कैसे किया जाता है और इससे हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो पश्चिमोत्तान आसन करने की विधि, सर्वप्रथम जमीन पर बैठ जाइए और अपने दोनों हाथों को आगे की ओर निकालें और इन्हें जितना खींच सकते हैं उतना खींचें। अपने दोनों पैरों को आगे की ओर फैलाएं। यह ध्यान रखें कि इस मुद्रा में आपके पैर के पंजों का खिंचाव ऊपर की ओर रहना चाहिए। अब सांस को छोड़ते हुए पेट अंदर की ओर दबाएं और धीरे धीरे कमर को सीधे रखते हुए अपने शरीर को नीचे की ओर झुकाएं और अपने पैर के पंजों को छूने का प्रयास करें। अपनी रीढ़ की हड्डी के बीच से झुकने का प्रयास ना करें। जितना आप झुक सकते हैं उतना ही झुकें। 2 से 3 मिनट इसी मुद्रा में बैठे रहें। जानते हैं पश्चिमोत्तान आसन करने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। इस आसन को करने से पैर की एड़ी से रीढ़ की हड्डी के शिखर तक पूरा शरीर खिंचाव पाकर लचीला बनता है। इस आसन से सुषुम्ना नाड़ी द्वारा श्वास लेना संभव होता है और पाचन संबंधी समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। मोटापा भी इस आसन से घट सकता है। कमर दर्द, बवासीर आदि के लिए भी यह आसन रामबाण दवा है। 2 से 3 मिनट होने के पश्चात अपने हाथों को वापस ले जाएं और अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। धन्यवाद।